बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मेरी बनाई जाने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी, आप उसे ट्राई भी कर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ यह मलिक और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी, सादा सी और आसान सी रेसिपी, जो कि आजकल ये जो है बच्चों के अगर आप खिला कर बनाकर खिलाएंगे तो ये बहुत ही उनके स्टमक के लिए हेल्पफुल होती है, और जो लोग बुज़ुर्ग हैं आपके घरों में उनके लिए भी अगर आप ये बनाएंगे तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो आज ही हमारे किचन में बनने जा रहा है साबूदाना, और ये मैं मिक्स करके ड्राई फ्रूट में बनाऊंगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि आपको मेरी वीडियो की आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट इंटरेक्ट करते रहें। और जो लोग पहले से मौजूद हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो फिर गाइस देर नहीं करते, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ जिसका नाम है साबूदाना। तो हमेशा की तरह व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रेसिपी से जुड़े हुए इंग्रेडिएंट्स जो के हैं। यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है तकरीबन एक हाफ प्याली, और आप देख सकते हैं ये आपके सामने है। ड्राई फ्रूट मैं यूज़ करूँगी, चार मैंने लिए हैं यहाँ पर सबस इलायचियाँ, जिससे जायका जो है वो अच्छा आ जाता है, खुशबू अच्छी लगती है। बादाम लिए हैं मैंने यहाँ पर थोड़े से, और उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। चीनी यहाँ पर ले रही हूँ मैं हाफ कप, ठीक है, आप देख सकते हैं चीनी भी यहाँ पे मैंने उतनी ही ली है जितना के हमें चाहिए। दूध हम लेंगे हसबे ज़रूरत, और ये है हमारे आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। होप्स आपने इसे नोट कर लिया होगा, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरकीब की तरफ। फ्लेम को यहाँ पे मैंने कर लिया है ऑन, और आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसके अंदर धुएँ आ रहे हैं, और मैंने इसके अंदर जो है साबूदाना और सबस इलायची जो है वो शामिल कर दी है, और सबस इलायचियाँ भी मैंने डाल दी हैं, साबूदाना भी डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी, और चीनी भी मैंने इसके अंदर कर दिया है। तो व्यूवर्स इस बात का ख्याल रखिएगा, जब चीनी आपने इसके अंदर डाल देनी है तो आपने स्पून को बिल्कुल भी एक सेकेंड के लिए भी नहीं रोकना है, उससे क्या होगा घुटियाँ बन जाएंगी और चीनी जो है आपका साबूदाना मज़े का नहीं बनेगा। तो साबूदाना भी डाल दिया है, सबस इलायचियाँ भी डाल दी हैं, और चीनी भी मैंने आपके सामने डाल दी है। बड़ी आसान सी, मज़ेदार सी और इजी सी ये रेसिपी है, इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो होता है वो मेरे लिए आपका प्यार होता है, मेरे चैनल के लिए आपका प्यार होता है, और मुझे खुशी होती है जब आप फीडबैक कमेंट के ज़रिए बताते हैं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी रेसिपी है जो आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए, मैं आपको वो सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध पे बबल्स बन रहे हैं, आपने स्पून को एक सेकंड के लिए भी नहीं रोकना है, हिलाते चले जाना है, हिलाते चले जाना है, और इसके अंदर जो है ताकि साबूदाना जो है वो अच्छे से पके और चीनी जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो। तो ये मिक्स मैं इसे करती हूँ अच्छे से, और आपके लिए चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तकरीबन 10 मिनट तक इसे यूँ मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद आप देख सकते हैं साबूदाना अच्छी तरह से फूल चुका है और हमारा पक कर रेडी हो चुका है साबूदाना। आज जो है वो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं साबूदाना मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे करती हूँ प्लेट आउट और आपको ले चलती हूँ फाइनल स्टेप की तरफ। तो चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो फाइनली व्यूअर्स, मेरे यहाँ पर अपनी डिश को कर लिया है प्लेट आउट, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी, मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। Just check out the look, guys. It's really look yummy and tasty. और ये बहुत ही मज़ेदार सा बना है। इंशाल्लाह ताला आपको जब भी आप ये ट्राई करेंगे आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो जाने से पहले फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन पे मुझे अपना फीडबैक दीजिए, ताकि चैनल जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर सके और मैं आपके साथ इसी तरह अप टू डेट इंटरेक्ट करती रहूं। तो ऑन दिस नॉट गाइस, मैं भी मलिक अब आपसे अलविदा लूंगी, मैं मिलूंगी आपसे इसी तरह अपनी एक नई रेसिपी में नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you for your love and support, and bye for now.